माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे होंगे आप सब, सेफ होंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फ्रेश बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो उसकी सभी संपत्तियों को धीरे धीरे बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज को पे आउट कर दिया जाता है। एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है, सबसे पहले जो फर्म से बाहर की लायबिलिटीज है, जिनको हम आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं, सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है वो आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन की पेमेंट की जाती है, और सबसे लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल को वापस किया जाता है। इसके लिए कुल मिला के हम चार अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर लोन अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। इट इज डिपेंड अपॉन द बैलेंस अवेलेबल इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, और अगर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में करवाया था, आज भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्जाम्पल है आपकी डीके गोयल की बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, समझने से पहले, एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 डीके गोयल की बुक का। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, और वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं 3:2:1 की रेशो में। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 18,500 रुपए के हैं, मिसेस एक्स का लोन है 5,000 रुपए का, मिस्टर एक्स ने लोन दिया हुआ है 8,000 रुपए का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 7,500 रुपए, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 60,000, 56,000 और 40,000 रुपए, 40,000। ओके, एसेट साइड को पढ़िए तो बैंक बैलेंस है 1,000, डेटर्स 15,000 रुपए के हैं, प्रोविजन 1,000 रुपए का है, स्टॉक 80,000 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, प्लांट 75,000 रुपए, और गुडविल है 35,000। ये हमारी बैलेंस शीट है। उसके बाद हमने डिसाइड किया फर्म को क्लोज करने का। तो देखिए, एक्स ने इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से 25% ज्यादा मूल्य में ले ली, वाई 5,000 रुपए के डेटर 4,000 रुपए लेता है, और बाकी डेटर से 75% की रिकवरी हुई है। स्टॉक को हमने बेचा है 59,000 में, प्लांट को बेचा है हमने 40,000 में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए के हैं, और इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज ए लायबिलिटी फॉर बी 8,000 फॉर डैमेज। कोई डैमेज है 8,000 रुपए का, कोई मुआवजा है वो हमें देना पड़ेगा, और विच इज आल्सो टू बी पेड प्रीपेड द नेसेसरी अकाउंट्स। दिस इज द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। ओके, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट है वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट इन चार अकाउंट में आपको ट्रांसफर करनी है। कैसे? देखिए, एसेट साइड लेंगे पहले, बैंक बैलेंस है 1,000 रुपए, बैंक बैलेंस है 1,000 रुपीज, डेटर्स है 15,000 रुपए,
अधिकार में है। प्रोविजन फॉर बैडनेस, प्रोविजन फॉर बैडनेस 1000 रुपीज स्टॉक है 80,000 रुपए का, स्टॉक है 80,000, इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट है बेटा 20,000 की, प्लांट है 75,000, प्लांट है 75,000, गुडविल 35,000, गुडविल है 35,000। एसेट साइड को हमने ट्रांसफर कर दिया, अब हम लायबिलिटी साइड को ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स है 18,500 रुपए, क्रेडिटर्स है 18,500 रुपए, मिसिस एक्स का लोन है 5,000 रुपए, मिसिस एक्स का लोन है 5,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपए का, इसे पार्टनर बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 7,500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7,500, कैपिटल के बैलेंसेस है 60, 56 और 40, 60,000, 56,000 और 40,000, बाय बैलेंस डेट, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपए, उसको पार्टनर बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, तो 30,000 रुपए को बांटो 3, 2, 1 में तो 15,000 रुपए, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए, ओके। अब देखिए कहता है कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट को 25% ज्यादा मूल्य में ले लिया, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो उतने ही रुपए से उसकी पूंजी कम कर दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की है, 25% ज्यादा 20,000 का 25% 5,000 रुपए, तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट 25,000 ले लिया, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा उतने ही रुपए से उसकी पूंजी कम कर दी जाएगी। टू रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो उसकी पूंजी कम कर दी जाएगी, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेगा तो उतने रुपए से उसकी पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। चलिए वाई कहता है 5,000 रुपए के डेटर वो 4,000 रुपए में लेने को तैयार है, तो उसकी पूंजी 4,000 रुपए से कम कर दी जाएगी। उसके बाद बाकी डेटर से 75% की रिकवरी हुई है, बाय बैंक डेटर से 75% की रिकवरी हुई है, डेटर को कितने रुपए के थे 15,000 के, उसमें से 5,000 रुपए के डेटर को वाई ने ले लिए 4,000 रुपए में, बाकी डेटर बचे 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए का 75% हो गया 7,500,
फिर कहता है स्टॉक 59,000 का हमने बेच दिया, स्टॉक हमने बेच दिया 59,000 और प्लांट से 40,000 रुपए मिले, प्लांट से रिकवरी हुई है 40,000 और टोटल कितना पैसा आया 106,500। ये पैसा यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन 106,500, ठीक है बेटा। उसके बाद लायबिलिटीज पे करेंगे, इसमें एक तो क्रेडिटर्स हैं आपके 18,500 रुपए के, एक मिसेज एक्स का लोन है 5,000 का, एक डैमेज है, डैमेज है 8,000 रुपए का और एक है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए, तो टोटल पैसा चला गया 1,08,9,14 का 32,500 बाय रियलाइजेशन 32,500, ठीक है बेटा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए दोनों साइडों का टोटल किया जाएगा, इस साइड का आपका टोटल आएगा 2,57,500 और इस साइड का आपका टोटल आएगा 1,67,500। कुल मिला के आपको 90,000 रुपए का लॉस होगा और ये लॉस तीनों पार्टनर मिलकर बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 एक्स वाई और जेड। 90,000 बटे में 6, 15 दिए 47,000 रुपए, 15 × 30 और 15 × 1=15,000 2,57,500। ये तरीका है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को तैयार करने का, ओके। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे एक्स के लोन की, एक्स का लोन है 8,000 रुपए, बाय बैलेंस मीडियम 8,000 रुपए का जो लोन है वो चुकाओ टू बैंक 8,000। माइनस 34
फाइनली वी विल मेक द पेमेंट ऑफ 32,000 45,000 माइनस 15,000 30,000 की हमने प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।